हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे इस वीक अभी मार्केट से कौन परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं कि वीकली पे कंडीशन क्या लग रही है, उसके बाद इंट्राडे के लिए कल के लिए देखेंगे। तो देखो वीकली पे तो अभी काफी अच्छा सही फ्री ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पे ये करेक्शन वाला पार्ट है, हो सकता है करेक्शन वाले ही चल रही है। यहाँ पे अभी कोई मेजर लेवल जो यहाँ पे है 17800 के आसपास का लेवल है, वो मार्केट अभी ब्रेक नहीं कर रहा। तो जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहा है यहाँ पे, तब तक कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर उसके ऊपर इतना क्लोजिंग है यहाँ पे, तब तक कोई ज्यादा नेगेटिव वाली कंडीशन नहीं। क्योंकि देखो इस तरीके से पहले भी हुआ है कि यहाँ पे मार्केट आता है, करेक्शन करता है और उसके बाद वापस ऊपर अप मूव देता है यहाँ पे इस तरीके से। तो जब तक 17800 ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है वीकली पे। अब हम डेली पे देखते हैं कैंडल वगैरह क्या कहती है यहाँ पे। तो डेली पे देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि दिक्कत कर रहा है इसे की वापस, क्योंकि इंट्राडे वगैरह मतलब वन डे के उसमें ठीक है। तो क्लोजिंग अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड चल रही है और ट्रेंड अभी भी ठीक है, मतलब ऐसे कोई नेगेटिव वाली साइड नहीं है। जहाँ मार्केट पिछले उसमें चल रहा था सेम उसी जगह के रेंज में आसपास यही घूम रहा है, धीरे अपने आप को ऊपर शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं इंट्राडे के लिए कल क्या रह सकता है यहाँ पे। इंट्राडे में देखो अभी यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग आई है, 4-5 दिन अभी बीच में FII बाइंग वगैरह करने लग गए थे, पर अभी फ्राइडे को थोड़ी सी उन्होंने सेलिंग करी है। तो उनका डेटा थोड़ा सा ध्यान रखिए इस टाइम पे, क्योंकि बीच में 4-5 दिन की अच्छी बाइंग आई थी, तो वो चीज़ अच्छी नहीं सकती आपके मार्केट के लिए। और अभी मिड कैप स्मॉल कैप में काफी अच्छा मोमेंटम आया थोड़ा बहुत यहाँ पे, वो चार्ट उसके ज्यादा अच्छे लग रहे थे उस हिसाब से। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप उस सेक्टर के ऊपर भी। और अभी हम एक बार देखते हैं यहाँ पे कल क्या रह सकता है। तो अभी सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है कि अप्रोक्स 50 पॉइंट ऊपर का दिखा रहा है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारा अप्रोक्स यहाँ पे 17992 के आसपास की खुल सकता है। तो वही 18 का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है, वो यहाँ पे वापस क्रूशियल लेवल बन जाएगा, उसी जगह पर वापस दिक्कत कर सकता है। और इसी जगह के आसपास देखो ब्रेक वापस फ्राइडे को भी दिक्कत आई थी यहाँ पे, ये रेंज इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया था, ये वाली जो रेंज होती है। तो 18000 के लेवल, 18000 का जो लेवल है क्रूशियल लेवल है, तो उस जगह का थोड़ा ध्यान रखना। अगर गैप अप लेता है यहाँ पे और इस जगह पर यहाँ पे थोड़ी सस्टेन करके अगर ऊपर निकलता है, तो फिर मोमेंटम सही बन सकता है। उसके बाद हमारे को 18055 तक का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, इसमें इस जगह तक का 18055 तक का टारगेट मिल सकता है यहाँ पे। पर अगर यहाँ पे ये गैप अप लेके यहाँ पे रिजेक्शन लेके वापस नीचे आने लग जाएगा, तो एक बार सपोर्ट लेवल उस टाइम पे देखना बीच में यहाँ पे नहीं, ये सपोर्ट अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, क्योंकि उस दिन क्या होता है फ्राइडे को जब ये लेवल इसने ब्रेक करा ना मार्केट ने, तो फिर नीचे नेगेटिविटी काफी आई थी यहाँ पे। तो इस सपोर्ट को ध्यान रखना, तो ये कंडीशन वाइज अगर हमारा यहाँ पे ओपन होता है तो इसके हिसाब से सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट हमारा आएगा यहाँ पे इस जगह के आसपास, ये वाला लेवल फिर 17932 का। और मेन जो लेवल है यहाँ पे एक सपोर्ट का, वो तो ये है से जो प्रीवियस लो है इस जगह के आसपास, ये वाला लेवल ठीक है। तो ये तो हो गया सपोर्ट लेवल हमारे। अब कंडीशन हम इस हिसाब से प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट खुलता है, अगर ये फ्लैट ओपन हो जाएगा तो फिर ये हमारे सपोर्ट लेवल सेम यहाँ पे बन जाएगी, रेजिस्टेंस भी ये ऊपर की बन जाएगी 17973 ऊपर 18000 का लेवल फिर ये। तो ये इसमें हो जाएगा ऊपर 18062 के ऊपर भी हम एक लेवल बना लेते हैं रेजिस्टेंस का, अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे, तो फिर आएगा 18096 के लेवल के यहाँ पे। तो मार्केट वहाँ तक फिर जाने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग हम कल प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।